हम बनाएंगे चिकन कचनार, जो कि खाने में भी बहुत लजीज होती है और चिकन भी और कचनार भी तिब्बी एतबार से बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अब हम इंग्रेडिएंट देखते हैं। इसके लिए हमने कीमा लिया है 500 ग्राम, दो प्याज मीडियम चॉप किए हुए, 6-7 हरी मिर्च कटी हुई। मसाले में हमने नमक लिया है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, इसमें जायफल जावित्री वगैरह सब पिसा हुआ है, अदरक लहसुन पेस्ट, 2 टमाटर, 1/2 किलो कचनार। अब हम बनाना शुरू करेंगे। पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। फ्राई कर लेते हैं। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें कीमा डालेंगे और इसको अच्छी तरह से छानिए, कुछ होने तक भून लेंगे। ये हमारा कीमा भुन रहा है, इसको अच्छे से कलर वाइट होने तक हम इसको और पानी सूखने तक के भून लेंगे अच्छे से। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भूनेंगे। मसाले डालेंगे, 1 चम्मच छोटी हल्दी, 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च, धनिया 2 चम्मच, नमक जायके के हिसाब से। ये हमने गरम मसाला मोटा मोटा पीसा हुआ है, ये भी डाल देंगे और थोड़ा पानी डाल के इसको भून लेंगे और इसको भून लेंगे। ये मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, अब हम इसमें हरी मिर्च और टमाटर डालेंगे। और हरी मिर्च डालेंगे, मिर्च और नमक अपने हिसाब से रख सकते हैं। बीन को हम थोड़ा गलने तक के भून लेंगे, कवर करके रख देंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको हम कवर कर देंगे। मसाला हमारा भून चुका है और ये जो टमाटर हैं ये भी गल चुके हैं, 50% हमारा गोश्त भी कीमा भी गल चुका है। अब हम इसमें कचनार डाल के डालेंगे। इसको मिक्स कर देंगे, चला देंगे। ये खाने में बहुत ही लजीज लगती हैं। अब हम इसे सिम करके रख देंगे, गलने तक के लिए सिम करके रख देंगे। इसको कवर कर देंगे, थोड़ा पानी डालेंगे। सिम करके इसको बंद कर देंगे। हम इसको कवर कर देंगे। ये कचनार अच्छे से बन चुकी है, हमने इसमें बीच में भी 1-2 बार चम्मच चलाया है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। और 1-2 मिनट के लिए फिर ढककर रख देंगे, फिर इसमें को हम डिश आउट करेंगे। ये कचनार हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं, अब हम इनको निकालते हैं। ये हमारे किचन कचनार बनके तैयार हो चुके हैं, जो खाने में बेहद ही लजीज होते हैं। अगर आपको ये डिश अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।